वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट माय डियर फ्रेंड्स टूडेज इट इज ओवर सेकंड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आज की इस डिस्कशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक है तो so, जो फर्स्ट वीडियो है हमारी उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी कंप्यूटर की तो so, इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा वो प्लेलिस्ट में भी होगी और उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ आई बटन आएगा ऊपर आई बटन पे दे दूंगा आप वहां पे क्लिक करके पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसको देख लीजिएगा उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑब्जेक्टिव देखेंगे एप्लीकेशन और कंपोनेंट्स देखेंगे कंप्यूटर के ये वीडियो जेके एस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एज वेल एज आप जेके बैंक के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं जेके बैंक का कंप्यूटर सेक्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को तो सबसे पहले है हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर तो क्या है कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमरी तो ये किस पे ऑपरेट करता है जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हैं उसकी मेमोरी में उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट करेगा दैट कैन एक्सेप्ट डाटा इनपुट तो ये इनपुट को एक्सेप्ट करेगा हम जो इनपुट देंगे उसको ये एक्सेप्ट करेगा और उसको क्या करेगा ये प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफाइड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो ये हैं प्रोग्राम्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा उनको प्रोसेस करेगा और प्रोड्यूस करेगा इन्फॉर्मेशन को एज अ आउटपुट इन्फॉर्मेशन हमें देगा आउटपुट में और स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन को फॉर फ्यूचर यूज तो क्या है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑपरेट करेगा और कंट्रोल करेगा जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हैं उसकी मेमोरी में और जो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को ये उस इनपुट को क्या करेगा प्रोसेस करेगा और हमें क्या देगा आउटपुट देगा और उस आउटपुट को ये स्टोर भी करेगा फ्यूचर यूज के लिए जैसे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है सपोज मल्टीप्लीकेशन करना है टू इंटू फाइव करना है हमने तो हमने इनपुट दे दिया टू मल्टीप्लाई बाई फाइव तो कंप्यूटर क्या करेगा ये उसको प्रोसेस करेगा हमारी जो रॉ इन्फॉर्मेशन है डाटा है डाटा को info, क्या करेगा डाटा को प्रोसेस करेगा उसके बाद हमें वो देगा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट देगा आउटपुट क्या देगा टू इंटू फाइव टेन तो हमें जो रिजल्ट दे देगा आंसर दे देगा वो दे देगा आउटपुट वो आ गया आउटपुट और ये जो हमारे जो रिजल्ट है हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन की उसको हम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर भी कर सकते हैं तो यही है मेन फंक्शन कंप्यूटर का तो कंप्यूटर के फादर कौन थे चार्ल्स बेबेज जो फादर थे कंप्यूटर के कुछ फंक्शन देख लेते कंप्यूटर के तो सबसे पहला फंक्शन है टेक डेटा एज इनपुट तो ये डेटा को एज अ इनपुट लेता है हम कुछ भी इनपुट करेंगे वो क्या हो गया डेटा वो एक रा इन्फॉर्मेशन है हम उसको रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फिर कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करेगा और फिर वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट देगा जो हमें आउटपुट चाहिए तो फर्स्ट क्या है टेक डेटा एज इनपुट तो इनपुट क्या लेता है ये डेटा उसके बाद स्टोर करेगा डेटा को और इंस्ट्रक्शन को इनइट मेमरी अपनी मेमरी में जो हम डेटा दे रहे हैं उसको ये स्टोर भी करेगा उसके बाद डेटा की ये क्या करेगा प्रोसेसिंग करेगा और कन्वर्ट करेगा उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में जो हमें डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें ये कन्वर्ट करेगा और क्या करेगा जनरेट आउटपुट आउटपुट को ये जनरेट करेगा जब इसमें इनपुट ले ली उसकी प्रोसेसिंग कर ली फिर ये हमें क्या दे देगा आउटपुट दे देगा फिर ये आउटपुट देगा और नेक्स्ट क्या है फंक्शन कंट्रोल्स ऑल द अबब फोर स्टेप्स तो जो अब फोर स्टेप्स है हमारे टेक डाटा लेगा स्टोर करेगा प्रोसेसिंग करेगा और जनरेट करेगा आउटपुट इन सब की कंट्रोलिंग भी करता है कंप्यूटर तो यही है मेन फंक्शन कंप्यूटर के आई होप आपको समझ आ गया होगा कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के फंक्शन क्या हैं अब हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्या हैं कंप्यूटर के तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफिशेंसी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूजिंग द कंप्यूटर तो कंप्यूटर की मदद से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत सी हमारी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स हैं कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही कैलकुलेशन भी होगी तो बहुत ही फास्ट करेगा एज कम्पेयर टू ह्यूमन तो हम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं कुछ हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए जैसे आप एक्सेल यूज करते हो या कुछ आपने वहां पे कमांड दी हुई है तो आप कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर वो जनरेट आपने परसेंटेज बनाई है आपने वहां पे सिर्फ एंटर करने हैं मार्क्स तो ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो भी तो वो उनको मिनट में सॉल्व कर लेगा कंप्यूटर उसके बाद आ गया एनालिसिस ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड द सिंथेसिस ऑफ सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम तो कुछ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये कंप्यूटर क्या करता है एनालाइज करता है और उनकी सिंथेसिस करके हमें सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर का नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट कंप्रीहेंशन ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल तो मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो इंजीनियर के प्रिंसिपल्स हैं इंजीनियरिंग के वो भी परफॉर्म करता है कंप्यूटर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर यूज़ होता है वहां पे अगर आपने कुछ किसी का नक्शा बनाना है कुछ बनाना है मैप बनाना है जो भी तो आप कंप्यूटर की हेल्प से बना सकते हैं आप ड्राफ्टमैन में घर का मैप बना रहे हैं तो कुछ भी डिजाइनिंग कर रहे हैं ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं कुछ भी बिल्डिंग तो वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मिनटों में आप डिजाइन कर सकते हैं आप आ, हाथ से करेंगे तो आप टू डी डिजाइन करेंगे बट कंप्यूटर में आप उसको थ्री डी भी डिजाइन कर सकते हैं किसी के घर का नक्शा बनाना है आपने तो आप कंप्यूटर की हेल्प से बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जैसे ऑटो कैड हो गया तो आप वहां से कंप्यूटर की हेल्प से वो आप डिजाइनिंग कर सकते हैं उसके बाद है नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट आ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज इन द डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में उसकी जो नॉलेज है हमें उसकी ब्रेथ और डेप्थ हमें डीप नॉलेज भी प्रोवाइड करना ये भी ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर का कि हम इसकी वजह से कंप्यूटर की कंप्यूटर की जो नॉलेज है बहुत ही ब्रॉड है बहुत फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर जो कि हम सोच भी नहीं सकते वो भी फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है तो इसकी जो नॉलेज है वो बहुत ही ब्रॉड है तो ये उसकी ब्रेथ और डेप्थ को भी हमें वो नॉलेज जो है उसकी वो प्रोवाइड करना भी एक ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर का तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स आगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा तो इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तो क्या क्या कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के तो एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर में मेनली दो ही पार्ट्स होंगे हम दो ही चीजें से मिलकर कंप्यूटर बनाए एक आ गया फर्स्ट हमारा हार्डवेयर और सेकेंड आ गया हमारा सॉफ्टवेयर दो ही चीजों से मिलकर बनाया तो हार्डवेयर क्या है हम इसको डिस्कस करते हैं हमने पिछली वीडियो में भी देखा था तो आज थोड़ा तो डिटेल में देख लेते हैं हार्डवेयर क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कंप्यूटर तो कंप्यूटर के जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं उनको हम कहते हैं हार्डवेयर जिनको हम देख सकते हैं हम उनको टच कर सकते हैं हमारा सीपीयू है हम उसको टच करेंगे तो ये है हमारा हार्डवेयर हमारा जो मॉनिटर है उसको हम टच कर सकते हैं हार्डवेयर आ गया हमारा माउस है उसको टच कर सकते हैं हार्डवेयर आ गया हमारा की है उसको टच कर सकते हैं वो आ गया हमारा हार्डवेयर तो हार्डवेयर क्या आ गया जो तो फिजिकल एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के उसको हम कहेंगे हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द मोनिटर तो कौन कौन से हैं मोनिटर आ गया हमारा माउस आ गया कीबोर्ड आ गया कंप्यूटर डेटा स्टोरेज आ गया हार्ड ड्राइव्स आ गई सिस्टम यूनिट्स ग्राफिक कार्ड्स आ गए साउंड कार्ड्स आ गए मेमोरी उसके बाद मदरबोर्ड चिप्स एक्सेट्रा तो ये सब क्या है ये सब आगे हमारे हार्डवेयर तो कुछ भी जिनको हम हाथ लगा सकते हैं टच कर सकते हैं फिजिकल पार्ट्स आगे जो वो सब आगे हमारे हार्डवेयर जिनको हम टच भी कर सकते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट आ गया हमारा हार्डवेयर तो अब हार्डवेयर में भी कुछ बैफिफिकेशन हैं हार्डवेयर कौन सी तरह का है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है तो दो तरह के हैं तो फर्स्ट आ गया हमारा इनपुट डिवाइस तो इनपुट डिवाइस क्या होता है इनपुट डिवाइस इज अ पेरीफिरल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन अप्लाइंसिस तो इनपुट डिवाइस क्या है मेनली ये कंप्यूटर के पेरीफिरल डिवाइस हैं जिस उसके जैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारा की बोर्ड है हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं हमारा माउस है तो हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ये वो डिवाइस हैं जो कि जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो है हमारी हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं कोई सिग्नल है कुछ हम दे रहे हैं कोई डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे हम कीबोर्ड है हम टाइप कर रहे हैं तो हम डेटा दे रहे हैं माउस है जैसे आपने हमारा चैनल खोलना है चेक स्टडी हॉटस्पॉट चैनल खोलेंगे हम तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यूट्यूब एप्लीकेशन खोलेंगे तो एप्लीकेशन किसकी मदद से खोलेंगे हम माउस की मदद से खोलेंगे माउस पे क्लिक करेंगे हम यूट्यूब पे हमारा यूट्यूब खुल गया अब सर्च बॉक्स में हमने क्लिक करना है वो भी माउस से करेंगे उसके बाद कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे जिसके स्टडी हॉटस्पॉट टाइप कर लिया अब हम माउस से एंटर करेंगे और हमारा चैनल खुल जाएगा तो ये हमने सब क्या परफॉर्म किया ये हमने इनपुट फंक्शन परफॉर्म की हमने इनपुट दी हमने चैनल का नाम सर्च किया हमने क्लिक किया तो ये सब क्या था हमारा इनपुट तो ये हम जो इनपुट डिवाइस हैं उनकी मदद से हम ऐसे कर सकते हैं इनपुट डिवाइस जो है ट्रांसलेट करते हैं डेटा फ्रॉम वन फ्राम फॉर्म दैट ह्यूमन अंडरस्टैंड टू वन फॉर्म दैट कंप्यूटर कैनवर्स विद तो जो इनपुट डिवाइस हैं ये ट्रांसलेट करते हैं डेटा को जो ह्यूमन बींग समझता है जैसे हम समझ रहे हैं उसको ये कन्वर्ट कर देंगे आगे हम उस लैंग्वेज में लिखेंगे हम जो ह्यूमन बींग की लैंग्वेज में लिखेंगे बट फिर क्या होगा आगे वो डेटा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर सिर्फ वन और जीरो को जानता है तो हम बाइनरी नंबर्स को जाते हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे वो फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा डेटा तो मोस्ट कॉमन आर कीबोर्ड एंड माउस तो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस क्या है कीबोर्ड और माउस जो हम मेनली यूज करते हैं कीबोर्ड हमेशा यूज होगा और माउस भी हम हमेशा यूज करते हैं तो मोस्ट कॉमन ये डिवाइस हैं इनपुट डिवाइस तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारा कीबोर्ड आ गया माउस आ गया माइक्रोफोन आ गया टच स्क्रीन आ गया हमारी स्कैनर आ गया वेब आ गया जो हमारा वेब होता है तो जैसे ये अभी वेब है जिसकी मदद मतलब से आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये आ गया वेब तो ये भी इनपुट डिवाइस है टच टचपैडिक बार कोड रीडर तो ये सब क्या है इनपुट डिवाइसेस तो कीबोर्ड से हम कुछ इनपुट कर रहे हैं माउस से हम क्लिक कर रहे हैं माइक्रोफोन जैसे आप मेरी अभी आवाज सुन रहे हैं माइक्रोफोन की हेल्प से तो माइक्रोफोन वो भी आ गया इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस स्कैनर जो हो गया स्कैन करता है कुछ वो भी इनपुट डिवाइस आ गया वेब आप मुझे देख रहे हैं तो ये क्या आ गया इनपुट डिवाइस वेब जो मेरे यहाँ पे है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है वो वेब इनपुट डिवाइस आप जो अपने डिवाइस पे देख रहे हैं वो आ गया आउटपुट डिवाइस अब वहां उस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं बट जो मेरे यहाँ कैमरा लगा है वो आ गया इनपुट डिवाइस टच पैड जॉइस्टिक और बारकोड रीडर्स ये आ गए इनपुट डिवाइसेस ये इनकी इमेजेस हैं आप देख सकते हैं ये जॉयस्टिक है मेरे गेम्स में यूज होता है ये हमारा माउस आ गया ये माइक आ गया ये हमारा कैमरा आ गया ये टच टैबलेट आ गई उसके बाद ये प्रिंटर आ गया हमारा स्कैनर सॉरी कीबोर्ड आ गया और ये आ गया हमारा हमारा जो बार कोड रीडर होता है ये आ गया वो हमारा स्कैन करता है इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारे आउटपुट डिवाइसेस तो क्या है आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाई एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन इन टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म तो क्या है आउटपुट हमने इनपुट दे दी कंप्यूटर को फिर यह क्या करेगा उसको प्रोसेस करेगा इनपुट को अपनी लैंग्वेज में इसने प्रोसेस कर दी उसके बाद फिर हमें आउटपुट देगा उसका डिजायर रिजल्ट जो हमारी लैंग्वेज है जो हम समझते हैं उस लैंग्वेज में जो हमें कन्वर्ट करके डिजायर रिजल्ट हमें देगा स्क्रीन पे तो यह आ गया हमारे आउटपुट हमने सर्च किया जेके स्टडी हॉटस्पॉट अब स्क्रीन पे हमें चैनल खुल गया आपने मेरी वीडियो क्लिक की और आप वीडियो देख रहे हैं तो ये इसने क्या किया जो आपने इंफॉर्मेशन दी उसको कन्वर्ट करके फिर उसको प्रोसेस करके इसने आउटपुट हमें दे दिया तो ये क्या करता है ये फंक्शन है मेनली आउटपुट डिवाइसिस अब सीपीयू आ जाता है हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो मेन कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का तो क्या है सीपीयू मेनली हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ये कंप्यूटर का दिमाग है ये सभी जो फंक्शन है परफॉर्म करता है सीपीयू इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शंस एंड प्रोसेसिंग सभी फंक्शन यही परफॉर्म करता है रिगार्डिंग कंप्यूटर पावर द सीपीयू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर तो कंप्यूटर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है हमारा सीपीयू तो सीपीयू के मेनली थ्री पार्ट्स हैं तो देख लेते हैं क्या क्या हैं थ्री पार्ट्स तो सबसे पहला आ गया आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एल यूमेटिक लॉजिक ए एल है तो यू जैसे कि आगे हमारे एडिशन आगे हमारा हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया मल्टीप्लीकेशन आ गया हमारा डिविजन आ, आ, आ गया तो ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है ए एल यू और लॉजिकल ऑपरेशन कैसे हैं जैसे कंपेयर करना नंबर्स को लेटर्स को कंपेयर करना और स्पेशल कैरेक्टर्स इनकी कंपैरिजन करना किसी की यह आगे हमारा जो लॉजिकल ऑपरेशंस और आर्थम ऑपरेशन आगे एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो ये सब क्या आगे हमारे आर्थमैटिक ऑपरेशन तो सीपीयू मेनली क्या परफॉर्म करता है आर्थमैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो आ गया एएल इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट सी तो सी क्या करता है कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनको कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन करता है सी यू तो कैसे करता है फर्स्ट देख लीजिए रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटिव तो कोड को रीड करेगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है वो करेगा इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर सो इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो इंक्रीमेंट करेगा प्रोग्राम काउंटर को सो इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उसको मिलेगी वो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो यूज करेगा उसके बाद रीड वट एवर डाटा द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स फॉर सेल इन मेमोरी तो रीड करेगा जो भी डाटा होगा जो इंस्ट्रक्शन हमें रिक्वायर होगी फ्रॉम सेल जो हमारी मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हैं वो इंस्ट्रक्शन जो हमें रिक्वायर होंगी उनको रीड करेगा और प्रोवाइड करेगा नेसेसरी डाटा टू एएल रजिस्टर्स को नेसेसरी डाटा प्रोवाइड करेगा और उसके बाद इफ द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एन एंड एएल स्पेशलाइज हार्डवेयर टू कंप्लीट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन तो फिर नेक्स्ट क्या करेगा जो हार्डवेयर है उसको इंस्ट्रक्ट करेगा ये कि जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करे तो ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा सी यू कंट्रोल यूनिट कंट्रोल जो मेनली कंट्रोल करता है और कॉर्डिनेट करता है कंप्यूटर के कंपोनेट्स को अपने इतना ही याद रखना है उसके बाद आ गया हमारा रजिस्टर्स तो रजिस्टर्स क्या है रजिस्टर स्टोर करते हैं डेटा दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमें डेटा एग्जीक्यूट करना है उनको स्टोर करेगा वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया तो ये क्या है वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया है हमारा रजिस्टर्स ये बहुत ही फास्टली परफॉर्म करते हैं फास्ट स्टोरेज है हमारी रजिस्टर्स तो स्टोर करते हैं डेटा को जो हमें एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट नेक्स्ट हम जिसको एग्जीक्यूट करेंगे उसको स्टोरेज करेगा हमारा रजिस्टर्स तो नेक्स्ट चलते हैं ये आ गया हमारी डायग्राम सीपीयू की तो मेनली ये हमारा इनपुट आ गया ये इनपुट जा रहा है तो ये आ गया हमारा सीपीयू सीपीयू क्या करेगा आर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एएल आ जाएगा और कंट्रोल यूनिट आ जाएगा तो आर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसके बाद कंट्रोल करेगा फिर ये हमारा मेन मेमोरी में आएगा मेमोरी से होके ये हमारा वापस ऊपर आएगा कंट्रोल यूनिट में और यहां से ये हमारा हमें आउटपुट मिल जाएगा तो इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू इनपुट आएगा उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे आर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस या कंट्रोल और कंट्रोल यूनिट सी यू तो ये कंट्रोल करेगा और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और फिर हमें डिजायर आउटपुट मिलेगा और मेन मेमोरी में भी वो स्टोर कर सकते हैं ये आगे हमारा जो डायग्राम आगे हमारी जो सीपीयू की नेक्स्ट चलते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या है तो प्राइमरी मेमोरी हो गई फर्स्ट हमारी रैम रैम क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेमोरी स्कीम विद इन द कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन अ टेम्पर बेसिस ये डेटा को सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करती है हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था रैम रोम का तो ये क्या करती है टेम्परेली डेटा को स्टोर करती है सो दैट इट कैन बी प्रॉम्प्टेड एसेस बाय द प्रोसेसर एज वैन नीडेड तो जो भी डेटा है हमारी इंफॉर्मेशन है उसको ये टेम्परेली स्टोर करेगी जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जब तक वो चल रहा है वो तब तक वो उसको क्या करेगी स्टोर करेगी इट इज वोलेटाइल इन नेचर तो रैम क्या है वोलेटाइल इन नेचर ये एमसीक्यूज बन सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत एग्जाम्स में आया भी है कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है इन नेचर रैम है रोम है आपका एच आ गया हार्ड डिस्क आ गया कुछ भी आ गया तो ऐसे ऑप्शन जी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोलेटाइल इन नेचर कौन सी है तो वो है रैम विच मीन्स दैट डेटा विल बी इरेज्ड वन सप्लाई टू द स्टोरेज डिवाइस इज टर्न ऑफ इसका मतलब क्या है वोलेटाइल क्या, क्या है कि जैसे सप्लाई बंद होगी तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर है वो डिलीट हो जाएगी वो उड़ जाएगी खत्म हो जाएगी इरेज हो जाएगी जैसे ही सप्लाई बंद होगी तो रेम स्टोर डेटा रैंडमली ये डेटा को रैंडमली स्टोर करती है एंड प्रोसेसर एक्सेस दिस डेटा रैंडमली फ्रॉम रेम स्टोरेज रेम डेटा को रैंडमली स्टोर करेगी और जो प्रोसेसर हमारा होगा वो एक्सेस करेगा इस डेटा को रैंडमली फ्रॉम रेम स्टोरेज रेम स्टोरेज से उसको रैंडमली एक्सेस करेगा रेम इज कंसिडर रैंडम एक्सेस बिकॉज यू कैन एक्सेस एनी मेमरी सेल डायरेक्टली इफ यू नो द रो एंड कॉलम दैट इंटरसेक्ट द सेल तो रेम को हम रैंडम एक्सेस मेमरी क्यों कहते हैं क्योंकि हम एक्सेस कर सकते हैं एनी मेमरी सेल को डायरेक्टली अगर हम जानते हैं कि रो और जो कॉलम है इंटरसेक्टिंग सेल की हम उसको जानते हैं, तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं तो इसलिए हम रैम को क्या कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमरी तो यह आगे हमारी रैम ये है वोलेटाइल इन नेचर उसके बाद आगे रोम रोम का फुल फॉर्म है तो वो रीड ओनली मेमोरी रैम फॉर्म ऑफ स्टोरेज है रोम स्टेज एक्टिव रिगार्डलेस ऑफ वेदर पावर सप्लाई टर्न ऑन और ऑफ तो हम पावर सप्लाई चाहे ऑन करें चाहे ऑफ करें हमारी रोम जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेटा जो है हमारा वो डिलीट नहीं होगा रोम डिवाइस डू नॉट अलो डेटा स्टोर ऑन देम टू बी मॉडिफाइड और जो रोम जो डिवाइस हैं वो अलो नहीं करता हमें जो हमने डेटा स्टोर कर लिया उसको हम मोडिफाई कर सकें तो ये हमें मॉडिफिकेशन की फैसिलिटी नहीं देता है ये आ गया हमारा रोम टू रीड ओनली मेमोरी और रैम थी रैंडम एक्सेस मेमोरी नेक्स्ट आ गई हमारी प्राइमरी कर ली अब आ गई हमारी सेकेंडरी मेमरी तो सेकेंडरी मेमरी क्या है तो सेकेंडरी मेमरी आ गई स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है चाहे हमारा सिस्टम है वो ऑन हो या ऑफ हो तो जैसे आगे हमारी हार्ड डिस्क आ गई हार्ड ड्राइव आ गई हार्ड ड्राइव इज अ पार्ट ऑफ आई यूनिट ऑफ डिस्क ड्राइव तो हार्ड ड्राइव में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और चाहे हम कंप्यूटर ऑन करें चाहे ऑफ करें हमारे हार्ड ड्राइव में वो डेटा हमेशा रहेगा चाहे हमारा कंप्यूटर है हमारा लैपटॉप है इसकी हार्ड डिस्क होती है सबकी चाहे आपकी थ्री ट्वेंटी जीबी हो फाइव हंड्रेड जीबी हो वन टीबी हो या आगे हार्ड डिस्क तो ये हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर रहेगा चाहे हमारा कंप्यूटर ऑफ रहेगा तो कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है उनमें भी यही है आपका डेटा हमेशा वहां पे स्टोर रहेगा जब तक आप पर्सनली उसको डिलीट नहीं करोगे उसके बाद आ गई ऑप्टिकल डिस्क तो ऑप्टिकल डिस्क क्या है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ओडीडी डिस्क ड्राइव लेजर लाइट एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रीड एंड राइट डाटा टू और फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के आगे हमारी जो सी डी आ गई हमारी डीवीडी आ गई ये फंक्शन करती है लेजर लाइट टेक्नोलॉजी से जिससे ये डेटा को रीड और राइट करती है तो ये आगे हमारी जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं कंपैक्ट डिस्क मतलब सी डी आ गई हमारी सी डी यूज करते हैं हम उसके बाद डीवीडी यूज करते हैं जो हमारी ब्लू रेज आ गई ब्लू रे डिस्क आ गई ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारी ऑप्टिकल डिस्क की तो ऑप्टिकल डिस्क की आगे गई एग्जाम्पल सी डी डीवीडी ब्लू रेज तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया ऑप्टिकल मीडिया के थ्री टाइप्स हैं सी डी आ गई डीवीडी आ गई और ब्लू रे आ गई तो डिटेल में देख लेते हैं क्या सी सिर्फ 700 हंड्रेड का डेटा स्टोर कर सकती है सिर्फ 700 सौ हम डेटा सी में स्टोर कर सकते हैं और जो डीवीडी है हमारी उसमें हम सिर्फ डेटा कितना स्टोर कर, देट कर सकते हैं अपटू एट पॉइंट जीबी का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं सीडी में 700 हंड्रेड और डीवीडी में अप टू 8.4 पॉइंट फोर डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और जो ब्लू रे डिस्क है ये न्यू टेक्नोलॉजी है नई टाइप की है ये स्टोर कर सकती है हमारी फिफ्टी जीबी तक डेटा सी डी सी डी सेवन हंड्रेड एम बी डीवीडी एट पॉइंट फोर जी और जो ब्लू रे आ गई ये गई हमारी फिफ्टी जी तक डेटा स्टोर कर सकती हैं और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क जो हमारी फ्लॉपी डिस्क थी वो सिर्फ कितना डेटा स्टोर करती थी वो सिर्फ स्टोर करती थी डेटा वन पॉइंट तक डेटा स्टोर करती थी हमारी फ्लॉपी डिस्क तो ये उसे कहीं ज़्यादा जो डेटा है उसको स्टोर कर सकती हैं एक एडवांटेज है फ्लॉपी डिस्क पे हमारी सी डी और ब्लू रे तो आ गई सेकेंडरी स्टोरेज इसके बाद आ गई फ्लैश डिस्क तो फ्लैश डिस्क क्या है अ स्टोरेज मॉड्यूल मेड ऑफ फ्लैश मेमोरी चिप्स तो ये बनी है फ्लैश चिप चिप्स अ फ्लैश डिस्क हैव नो मैकेनिज्म मैकेनिकल प्लेटर्स और एक्सेस आर्म्स बट द टर्म डिस्क इज यूज बिकॉज द डेटा आर एक्सेस्ड एज इफ दे वर ऑन हार्ड ड्राइव द डिस्क आर स्टोरेज स्ट्रक्चर इज इम्युलेटेड तो फ्लैश ड्राइव्स भी क्या है? ये storage devices हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एज अ जो हमारी डिस्क थी उनकी तरह हम इनको यूज कर सकते हैं टू स्टोर डेटा एंड एक्सेस दिस डेटा एज इफ दे वर ऑन द हार्ड ड्राइव तो जब ये हमारे हार्ड ड्राइव में होंगे हम इनको एक्सेस भी कर सकते हैं तो ये आगे हमारी फ्लैश ड्राइव तो हमने प्राइमरी कर ली सेकेंडरी कर ली फ्लैश ड्राइव भी कर ली अब आ हमारे सॉफ्टवेयर हमने हार्डवेयर देख लिए इनपुट डिवाइजेस आउटपुट डिवाइजेज अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है तो सॉफ्टवेयर मेनली क्या है हार्डवेयर हम जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं हम देख सकते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते और ये कंप्यूटर में वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करता है चाहे कोई भी फंक्शंस हो ये वो फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारा सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर आ गई एक एप्लीकेशन आ गई जो हमारी जैसे मोबाइल्स में हमारी एप्लीकेशन आ गई ये आगे हमारा सॉफ्टवेयर आ गया ये मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है और सॉफ्टवेयर की मेजर टू टाइप्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे पहले आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिस नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शन टू कंप्यूटर और उसके बाद दूसरा आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो डिटेल देखते हैं क्या है पहले आ गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है फॉर कंट्रोलिंग इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग जो हार्डवेयर है जैसे हमारा माउस आ गया हमारा कीबोर्ड आ गया ये उनको कंट्रोल करेगा इंटीग्रेट करेगा और मैनेज करेगा कंप्यूटर के जो जो हार्डवेयर कंपोनेट है जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इट इज कंसिस्टिंग कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेनली ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जिसकी मदद से कंप्यूटर चल रहा है चाहे हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे मैक है तो ये मेनली इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम फंडामेंटल यूटिलिटीज तो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हैं है सच्चाई डिस्क फॉर्मेटर्स जो फाइल मैनेजर हमारी फाइल मैनेज करता है डिस्क मैनेजर्स टेक्स्ट एडिटर्स यूजर ऑथेंटिकेशन लॉग एंड मैनेजमेंट टूल्स और नेटवर्किंग एंड डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर तो मेनली कंसिस्ट करता है हमारा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है इज मेनली कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे कल भी जैसे डिस्क फॉर्मेट करनी है हमने फाइल मैनेजर है हमारे फाइल को मैनेज करना है डिस्क को मैनेज करना है टेक्स्ट एडिटर्स हैं नेटवर्किंग एंड डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर ये आगे ये मिलकर बनाते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आ गया लिनुक्स आ गया यूनिक्स आ गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया उसके बाद आ गया डॉस तो ये सब आगे सिफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके बाद आ गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया इज यूज टू अकम्प्लीट स्पेसिफिक टास्क अदर देन जस्ट रनिंग द कंप्यूटर सिस्टम तो सिर्फ कंप्यूटर को रन नहीं करना ये कुछ अदर टास्क जो आगे वो परफॉर्म करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम ये सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है सच एंड इमेज व्यूअर जो आगे हमारे गैलरी आगे अ स्मॉल पैकेज ऑफ प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम्स के पैकेज आगे ऑफन एंड कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर पैकेज तो ट वर्क क्लोजली टूगेदर टू कम्प्लीट या टास्क सच है स्प्रेडशीट आ गई हमारी सिस्टम आ गया और लार्जर कलेक्शन भी आ गई हमारी जैसे कि हमारी कौन सा आ गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया जिसमें हमें एम एस वर्ड मिलेगा एमएस पावर पॉइंट मिलेगा उसके बाद एक्सेल मिलेगा तो ये आगे लार्ज कलेक्शन आ गई हमारी इसमें हमारी सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है उसके बाद स्मॉल प्रोग्राम की कलेक्शन भी आ सकती है और लार्ज कलेक्शन भी आ सकती है जिसमें की बहुत से इंटर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो तो ये आ गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारी ओपेरा आ गई ओपेरा मिनी वेब ब्राउजर आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आ गया वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल आ गया डाटा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गई इसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं जैसे ये आप अभी स्लाइड देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया इसमें प्रेजेंटेशन बनती है और एडोव फोटोशॉप आ गया जिसमें हम फोटोशॉप करते हैं फोटो एडिटिंग करते हैं तो ये सब आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जैसे हमारा व्हाट्सएप आ गया इंस्टाग्राम आ गया फेसबुक आ गया ट्विटर आ गया ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए और तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ गया ये आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ये थे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो अब नेक्स्ट है हमारा बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर तो एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर की कंप्यूटर इज अ डिवाइस थ्रू विच यू कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ जॉब्स इसमें हम बहुत से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ना कि एक फंक्शन हम बहुत से मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर पैकेजेस हैं इसमें हमारे सॉफ्टवेयर है ऐसे जो हमें मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं आप एमएस वर्ड ले लो आप उसमें टाइपिंग कर सकते हो आप पावर पॉइंट ले लो आप उसमें पीपीटी बना सकते हो आप एक्सेल में वर्क कर सकते हो आप फोटोशॉप कर सकते हो फोटो एडिटिंग आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो आप कुछ भी बहुत से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो आप कंप्यूटर में तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कहाँ कहाँ यूज होता है हम देख लेते हैं बेसिक एप्लीकेशन के हैं पहला गया साइंटिफिक रिसर्च तो रिसर्च में कंप्यूटर यूज होता है साइंटिस्ट यूज करते हैं कंप्यूटर्स को वहाँ पे इसकी यूटिलिटी है वो बहुत है साइंटिफिक रिसर्च में उसके बाद बिजनेस एप्लीकेशन में यूज होता है आप देख सकते हैं बिजनेस फेम्स वहां भी कंप्यूटर यूज होता है हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए वो हम हमें मिलती है हमें एक सिस्टम नेटवर्किंग की मदद से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं उसके एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत यूज होता है एंटरटेनमेंट में यूज होता है कंप्यूटर आप मूवीज देखते हैं उनकी एडिटिंग कुछ भी करना है जो सब कंप्यूटर की मदद से होती है उसके बाद बैंक्स में यूज होता है हम बैंक्स में अपने जो अकाउंट्स हम उसे पैसा निकालते हैं तो वो सिर्फ हमारा अकाउंट नंबर फीड करते हैं और हमारा डेटा आ जाता है हम चाहे कोई एक जगह, जगह प्रोवाइड करें चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें कुछ भी वो सब कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं इंजीनियरिंग में हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स तो कुछ हमें डिजाइनिंग करनी है कुछ भी करना है वो सब कंप्यूटर की गेमिंग खेल सकते हैं हम कंप्यूटर की हेल्प से और अकाउंटिंग भी कर सकते हैं हम हेल्प ऑफ कंप्यूटर तो कंप्यूटर के एप्लीकेशन ये हैं इम्पोर्टेंट बहुत से फंक्शंस हैं कंप्यूटर के ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे अनलिमिटेड फंक्शन हैं कंप्यूटर के तो ये थी बेसिक बेसिक थे ऑफ कंप्यूटर आई होप आपको समझ आ गया होगा तो यही था आज का हमारा टॉपिक तो हमने इंट्रोडक्शन देखी कंप्यूटर की कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देख लिए और कंप्यूटर की एप्लीकेशन देख लिये और ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए कंप्यूटर के आई होप आपको समझ आ गई होगी अगर समझ आ गई है तो ठीक है अगर आपको कोई टॉपिक में समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तो अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं तो कुछ एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको एग्जाम है तो एमसीक्यूज ही करने हैं आपको वहां पे थोरेटिकली कुछ नहीं करना तो इसलिए हम जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यूज भी कर लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर टूल्स सच एज वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट आर प्रोडक्ट्स ओन्ड बाय विच ऑफ दिस कंपनीज तो जो एमएस वर्ड है हमारा एक्सेल है वो जो पावर पॉइंट आ गया वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये कौन सी कंपनी ओन करती है इंटेल एप्पल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तो ये सब किसके हैं माइक्रोसॉफ्ट के हैं है. हमारा चाहे एमएस वर्ड आ गया हमारा एमएस एक्सेल uh, आ गया हमारा पावर पॉइंट आ गया ये सब आ गया हमारे किसके माइक्रोसॉफ्ट के नेक्स्ट है कंप्यूटर्स विच ऑफर इंफॉर्मेशन आर कार्ड डैश एंड दो विच सीक इंफॉर्मेशन आर कार्ड तो जो कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे और जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे कंप्यूटर्स विच ऑफर इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन ऑफर कर रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे सर्वर्स कहेंगे और जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे हम क्लाइंट्स कहेंगे सर्वर समय इन्फॉर्मेशन ऑफर कर रहे हैं और क्लाइंट्स हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो ले रहे हैं उसके बाद आ गया एफ ए क्यू स्टैंड तो एफ ए क्यू की फुलफॉर्म क्या है एफ ए क्यू का फुलफॉर्म है फ्रीक्वेंटली आस्ड क्वेश्चन एफ ए क्यू मीनस हम बहुत बार हम वेबसाइट में भी सर्व करते हैं वहां देखते हैं एफ ए क्यू लिखा होता है तो एफ ए क्यू का मतलब क्या है फ्रीक्वेंटली आस्ड क्वेश्चन जो कि आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप कहीं भी चले जाओ अमेजन फ्लिपकार्ट में भी चले जाओ आप वहां पे कोई प्रोडक्ट देख रहे हो आप उसके नीचे चले जाओगे तो वहां पे एफ होगा कि फ्रीक्वेंटली इससे रिलेटेड लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं हार्ड डिस्क इज डिड इंटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू तो हार्ड डिस्क ट्रैक्स में डिवाइड है और जो तो ट्रैक्स है, है किस में तो क्लस्टर्स में है सेक्टर्स सेक्टर्स में है है हैं हैं या हेड्स तो क्या आंसर 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 बी इज द करेक्ट जो ट्रैक्स वो सब डिवाइडेड है सेक्टर्स में नेक्स्ट आ गया टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट स्लाइड शो इज तो स्लाइड शो बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम क्या कहेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो हमने कोई प्रेजेंटेशन करनी है प्रेजेंट करना है कुछ तो उसको हम क्या कहेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं स्लाइड्स के लिए कंप्यूटर दैट आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज में जो कंप्यूटर यूज होते हैं बैंक में यूज होते हैं वे आर मैनी पीपल फ्रीक्वेंटली नीड टू यूज सेम डाटा उनको हम क्या कहेंगे जहां पर बहुत से आदमी हैं उनको सेम डाटा चाहिए उस कंपनी का डाटा सेम चाहिए उस ऑफिस में तो हम जो वहां कंप्यूटर यूज होते हैं उनको हम क्या कहेंगे तो वो कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नेक्स्ट है पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड तो को हम और क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर तो पर्सनल कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं माइक्रो कम्बे ऑप्शन एंड एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू डैश कंप्यूटर वायरस तो कंप्यूटर वायरस को क्या करता है हमारा जो एंटीवायरस प्रोग्राम है आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करता है स्कैन करता है डिवाइस को और आइडेंटिफाई करता है स्कैन करेगा आइडेंटिफाई करेगा और एलिमिनेट करेगा जो स्कैन करेगा और एलिमिनेट करेगा तो हमारा जो एंटीवायरस है वो क्या करता है सबसे पहले स्कैन scan करेगा स्कैनिंग करेगा फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि वायरस कौन कौन सा है फिर उसको क्या कर देगा वो एलिमिनेट कर देगा तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर इसके बाद स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेयर्ड इन तो जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है उसकी स्पीड को हम कैसे मेयर करते हैं तो उसकी स्पीड को हम मेयर करते हैं जीएसएड गिगर्ट डी पी आई पीपीएम या जी बी पी एस तो हम इंटरनेट की स्पीड को मेयर करते हैं जीबी पर सेकेंड जी बी पी एस में हम इंटरनेट की स्पीड को मेयर करते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंटर का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है इंक जेट थ्री डी लैंडस्केप आजर जेट तो हमारा है लैंडस्केप प्रिंटर का टाइप नहीं हमारा इंक जेट भी प्रिंटर है थ्री डी भी प्रिंटर है और लेजर जेट भी हमारा प्रिंटर है तो लैंडस्केप आ गया हमारा करेक्ट आंसर मेरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी है तो हमारे पास कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की तो हमारे पास अभी तक कंप्यूटर की जनरेशन है फाइव जनरेशन द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू तो पेंटियम किससे रिलेट है डीवीडी से है हार्ड डिस्क से है माइक्रो प्रोसेसर से है या माउस से है तो पेंटियम के हमारा माइक्रो प्रोसेसर है पेंटीएम इज द माइक्रो प्रोसेसर जैसे इंटेल आई थ्री आई फाइव आई सेवन इस प्रकार पेंटीएम आ गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का स्टैंड फॉर एच टीटी पी का फॉर्म क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है एक तो ये बहुत बार पूछा गया है एच टी टीपी का फुलफॉर्म एच टी टीपी का फॉर्म क्या है एच टी टीपी का फुलफॉर्मस ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो हमारा ऑप्शन है बी हाइपरटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल का फुलफॉर्मेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट है, है जब हम कुछ करते हैं और पेस्ट करते हैं जो जब हमने कट किया तो वो जो कट कर रहे हैं वो हमारा टेम्प्रेरि कहा स्टोर होता है तो पेस्ट करने के लिए हमें स्टोर तो वो चाहिए कहीं पे वो कहा स्टोर होगा डैशबोर्ड हो में होगा हमारे क्लिपबोर्ड में होगा हार्ड ड्राइव में होगा या डिस्कैक्ट में होगा तो वो होगा हमारा क्लिपबोर्ड में जब हम कुछ कॉपी करते हैं वो हमारा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है तो जब हम कट कर रहे हैं वो भी एक किस्म का कॉपी हो रहा है और हम फिर उसको पेस्ट कर रहे हैं तो वो आगे हमारा क्लिपबोर्ड में स्टोर होगा तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टूरिस्ट लेक्चर आई होप आपको समझ आगे होगी तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट है आपका तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च कर सकते हैं यहां पे आपको डेली के करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स आती हैं जो भी तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी तो फ्रेंड्स थैंक यू हैव अ नाइस डे